जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है तो जरा मुझे कंफर्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम, आ रही है। अभी आप लोगों में से कोई कैंपस नहीं आया? खैरियत मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैम आपने बुलाया नहीं? अच्छा मैं ऊंची बोल लेती हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों में से कोई कैंपस नहीं आया हुआ? मैम लेकिन मेल ही नहीं आई थी कैंपस वाली, उन्होंने कहा था मेल आएगी डायरेक्टर से। सरफनान को मेल की थी तो वो कहते हैं अभी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाएं जब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता। मैम वैक्सीन के लिए भी इतना टाइम लग रहा है अभी। अच्छा अच्छा, वैसे डायरेक्टर साहब की तरफ से सुबह के टाइम पे कोई ईमेल आप लोगों को रिसीव नहीं हुई? यस मैम, आज यस मैम, यस सवा छह बजे। ओके चले फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर अपना प्लान सेट करें कि अपनी वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट कराएं पहले, और उसके बाद फिर यू आर अलाउड कि आप क्लास में आके यूनिवर्सिटी में आप क्लास ले सकते हैं। मैम जिनकी हो गई है कंप्लीट वो कब से आएंगे? कोई बेटा डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पर्टिकुलर कोई डेट तो नहीं दी गई है, सिर्फ कंडीशन ये है कि आपकी वैक्सीनेशन जो है वो कम्प्लीट होनी चाहिए। अगर कम्प्लीट है, दोनों डोजेज आपकी लग चुकी हैं, तो आप बेशक आ जाइए यूनिवर्सिटी, आ जाएं कैंपस आ जाएं। लेकिन सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो राइट नाउ वैक्सीनेशन के प्रूफ की है कि वो आपके पास रिकॉर्ड हो कि आप दोनों डोजेस जो है उसकी लगवा चुके हैं। ठीक है मैम, जिनकी दोनों डोजेस कंप्लीट हो चुकी हैं क्या वो नेक्स्ट क्लास कैंपस में ले सकते हैं? हाँ, अगर वो कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर वो अलाउड हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है, आप आ सकते हैं। ओके मैम। मैम हम लोगों ने वहाँ पे कहते हैं गेट पे दिखाना होगा क्या? आप लोगों ने क्या गेट पे दिखाना है ये पूछ रही हैं? यस मैम, गेट पर भी आपकी जो है वो चेकिंग पहले वो कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज आपको यूनिवर्सिटी एंटर होने की परमिशन नहीं है। और उसके बाद जब आप क्लासेस में जाएंगे तो ये सिंपल एक हर फैकल्टी मेंबर का जो है वो एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग क्लास में जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स एटलीस्ट वो उनके पास प्रूफ हो कि वो वैक्सीनेशन जो है वो करवा चुके हैं। मैम जी, मैम आपसे एक और बात करनी थी। हाँ जी मैम, एक्चुअली आपने वीडियो आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। चलें आप अच्छा जी जब तक दोबारा बात होती है। अब ऐसे है कि मैंने सोचा तो ये था कि ऑन कैंपस से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि अब आज स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा लेक्चर जो है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम ऐसे करते हैं हम स्टार्ट करते हैं, बाकी इसको कंप्लीट हम जो है वो बाद के लेक्चर्स में करेंगे। क्योंकि वैसे भी हम जो ज्वाइंट स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारा नी ज्वाइंट, और नी ज्वाइंट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट ज्वाइंट है एज अ वेट बेरिंग, तो इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझने वाली हैं। तो कुछ थोड़ा सा ये चैप्टर जो है वो लेंथी है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अलग अलग करके सेपरेट करके जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, जितना हमसे इसमें कवर हुआ उसको हम कवर करते हैं इंशाल्लाह, फिर उसको हम जो कंप्लीट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज जो हम बेसिकली डिस्कस करने लगे हैं वो नी ज्वाइंट है, और नी ज्वाइंट की जो बायोमैकेनिक्स है ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मैकेनिक्स, और जो पुरानी आपकी एनाटमी आप पढ़ चुके हो, फिजियोलॉजी पढ़ ली है आपने, थोड़े वो कहीं नहीं आप लोग पढ़ चुके हो, ये चीज़ें उससे रिलेटेड हैं, वो थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा हमारी जीवन में। तो सबसे पहले अगर हम नी ज्वाइंट को स्टार्ट करें तो उसमें ज्वाइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है ना वो इन्वॉल्व है। एक्चुअली दो ज्वाइंट्स जो है ना वो इसके कैप्सूल जो है आर्टिकुलर कैप्सूल उसके अंदर इन्वॉल्व है, दो ज्वाइंट्स। एक तो आपका जो डायरेक्ट एक मेजर ज्वाइंट है, मेन ज्वाइंट जो आपका फीमर और टिबिया के दरमियान में बन रहा है, ठीक है, एक वो ज्वाइंट है टिबियो फेमोरल, और दूसरा ज्वाइंट जो आपका पटेला रीच में आ जाती है, ठीक है, पटेला का जो ज्वाइंट बनता है उसको, या फीमर के साथ जो उसका ज्वाइंट बनता है उसको हम कहते हैं पटेलो फेमोरल ज्वाइंट, ठीक है।
ये दो जॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके नी जॉइंट के अंदर मेन कंपोनेंट इसका है। इसके अलावा आर्टिकुलर जो आपका कैप्सूल है उसके करीब एक और जॉइंट भी है जो कि जिसको हम एक्चुअल नी जॉइंट के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, बट वो उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है, जो कि आपका है सुपीरियर फिबुलो टिबियल जॉइंट। जो टिबिया और फिबुला का जॉइंट जो सुपीरियर यानी प्रॉक्सिमल जो जॉइंट है वो क्योंकि नी जॉइंट के कैप्सूल के करीब विसिनिटी के अंदर है, लेकिन उसको हम एज एन जॉइंट के अंदर कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो ये आपके दो मेजर जॉइंट हैं, टिबियोफेमोरल और पैटेलोफेमोरल। अब इसकी जो टाइप है इस जॉइंट की, ये साइनोवियल तो है, साइनोवियल के अंदर जो फर्दर इसकी सब क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट भी यहाँ पे ये मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो आपकी क्या होती है, यूनिएक्सियल होती है। ठीक है, लाइक एक एक्सिस के अराउंड आपको मूवमेंट जो है वो जॉइंट अलाउ कर रहा हो। लाइक आपका एल्बो जॉइंट है, उसमें आपकी या फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ फर्दर मूवमेंट इसके अंदर नहीं होती। नी जॉइंट जो है वो भी हिंज है, लेकिन ये मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड का अब क्या मतलब आ जाता है कि जो प्राइमरी मूवमेंट है वो इसमें भी आपकी क्या है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही है नी जॉइंट की, लेकिन इसमें जो एक मॉडिफिकेशन आ गई वो क्या आ गई कि ड्यूरिंग फ्लेक्शन आपके जॉइंट के अंदर कुछ थोड़ी सी मूवमेंट्स जो है वो और भी पॉसिबल होते हैं अनदर एक्सिस के अंदर। और वो कौन सी मूवमेंट्स है, वो आपकी रोटेशंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ये आपका आ जाता है मॉडिफिकेशन इस हिंज जॉइंट के अंदर, जिसका प्राइमरी जो मूवमेंट्स है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही है। लेकिन अगर हम फ्लेक्शन करें तो ड्यूरिंग फ्लेक्शन हम एक और टाइप की जो है वो एक और एक्सिस के अंदर मूवमेंट जो है वो पॉसिबल कर सकते हैं, और वो है रोटेशंस, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशंस जो है वो इसमें पॉसिबल हो सकती है। अब ये इसकी एनाटॉमी है, जॉइंट और बोन्स के जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं। आपको यहाँ पे कंडाइल्स नजर आ रहे हैं, दोनों जो बोन्स है उनके अंदर जो है वो कंडाइल्स प्रेजेंट है। ये मेजर आपके जो है वो कंडाइल्स हैं, ठीक है, ये दोनों, ये इंटीरियर साइड दिखाई हुई है, ये पोस्टीरियर लीज को जो है वो दिखाया हुआ है, और इंटरकंडाइलर एरिया है, ये जो नॉच है ये आपकी इंटरकंडाइलर एरिया है। ठीक है, ये इसको आपका सुपीरियर व्यू से जो है वो इसको आपको दिखाया हुआ है, ये आपके कंडाइल्स हैं, ये बेसिकली टिबिया के जो है वो प्लाटूज हैं, जिसके अंदर जो है वो आपकी मेनिस्कल बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और यहाँ पे ये आपको फेबुला नजर आ रही होगी, ये टिबियल ट्यूब्रोसिटी है, और ये आपको ये एक ट्राइंगुलर काइंड ऑफ बोन जो है वो नजर आ रही होगी, दैट इज योर पटेला। अब नी जॉइंट जो है क्योंकि मेजर जॉइंट है आपका वेट बेरिंग का, ठीक है, अब जितना इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है उतनी ही इसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत होगी, उतनी ही इसको सपोर्ट की भी जरूरत होगी। अदरवाइज अगर एक चीज अनसपोर्टेड है, आप उससे ज्यादा काम लेंगे तो उसका तो काम खराब हो जाएगा ना, वो तो बैठ जाएगा फिर। अच्छा, अब यहाँ पे नी जॉइंट के अंदर जो सपोर्ट है उसके लिए स्ट्रक्चर्स बड़े अच्छे वेल डेवलप्ड हैं, और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के और बड़े मल्टीपल किस्म के जो है वो आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। उसमें सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो है मेनिस्कस। मेनिस्कस जो है वो एक तरह से आपके सपोर्टिव टिश्यू भी है, ये आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू भी है, क्योंकि ये एक तरह का आपका क्या है, कुशन्स हैं जो शॉक एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट बेरिंग आनी है, ऊपर से आपका बॉडी वेट है, नीचे से आपका जो है वो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस है। ठीक है, रिएक्शन जो फोर्सेस है, अब उन सबको एब्जॉर्ब करना और उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना, ज्वाइंट के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाना, और फिर उसको आगे फर्दर अपवर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना फोर्सेस को हिप जॉइंट तक, और फिर आगे आपके वो स्पाइन आ जाती है, जैसे उसका एक पाथवे है। तो मेनिस्कस उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी सपोर्ट, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी जिसे कहते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में इसमें लिगामेंट्स के साथ जो है वो ये अटैच होता है, ये फर्म अपनी जगह पे जो है वो प्लेस होता है। इसको आगे देखते हैं कि इसकी और फर्दर क्या चीजें आ जाती हैं। अच्छा, सेकेंड इसके अंदर हमारे पास जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास लिगामेंट्स के साथ। लिगामेंट्स जो है वो क्या करते हैं,
आपको पता है लिगामेंट्स का काम क्या है कि एक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट को लिमिट करना ताकि बोन्स जो हैं वो उससे ज्यादा मूव ना करें, उससे ज्यादा मूव ना करें ताकि वो एक जो है वो लिमिट के अंदर रहें और स्टेबिलिटी के अंदर रहें, वो इनस्टेबल ना हो। अच्छा, अब ये जो लिगामेंट्स है ना, लिगामेंट्स के अंदर कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो लिगामेंट्स है उनको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स। क्रूशिएट लिगामेंट्स दो तरह के हैं, वी ऑल नो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL या PCL जिसके हम एब्रीवेशन लिखते हैं। ये आपको जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर जो है वो दिखाने की कोशिश है, आगे भी फर्दर जो है वो डायग्राम्स के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा जो है वो कलेटरल लिगामेंट होते हैं जो कि आपकी साइड्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, साइड्स पे जो प्रेजेंट आपके लिगामेंट्स हैं उनको हम कलेटरल लिगामेंट्स कहते हैं। ये जो आपको साइड पे नजर आ रहे होंगे, एक मीडियल साइड पे होगा, एक लैटरल साइड पे होगा, तो मीडियल कलेटरल लिगामेंट और लैटरल कलेटरल लिगामेंट। इसके अलावा फिर कुछ और लिगामेंट्स भी हमारे पास प्रेजेंट है जो छोटे छोटे हैं, कुछ आपके पास टेंडन्स हैं, टेंसर फेशियल लाटा है जो इटसेल्फ आपको जो है वो एज ए लिगामेंट वर्क कर रहा होता है, ठीक है, और बहुत सारे आपके जो है वो टेंडन्स, यहाँ पे मल्टीपल मसल्स जो हैं वो आके अटैच होते हैं, उनके टेंडन्स भी इटसेल्फ आपको क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब मेनिस्किस की जो हम बात कर रहे थे, मेनिस्काय क्योंकि ये दो आपके जो टिबिया के प्लाटूज हैं उसके अंदर प्रेजेंट है और ये सेमी सर्कुलर सी जो है वो कंडीशन, ये एक स्ट्रक्चर है और ये मीडियल साइड पे जो मेनिस्किस है उसको मीडियल मेनिस्किस कहेंगे और लैटरल पे लैटरल मेनिस्किस, दो आपके मेनिस्किस प्रेजेंट है और दरमियान में से जो है वो ये अटैच हैं, किस तरह से ट्रांसवर्स लिगामेंट के थ्रू ये अटैच हैं। इसी तरह से जो इंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं उनकी भी अटैचमेंट कहाँ आती है, आपके बोन के साथ साथ आपकी मेनिस्किस के साथ भी ये अटैच है, ठीक है। तो ये आपको पोस्टीरियर व्यू में नजर आ रहा है और ये आपका टॉप व्यू आपको दिखाया हुआ है कि ये अंदर से अगर देखें तो ये आपके जॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। मेनिस्काय जो है आर डिस्क और फाइब्रोकार्टिलेज अटैच्ड टू टिबियल प्लेटूज, दे आर थिकर अलोंग द पेरिफेरी। अच्छा, अब मेनिस्किस के केस में ये चीज है कि आपकी ये जो लैटरल मेनिस्किस है और मीडियल मेनिस्किस, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें उनके साइज में, उनकी शेप में और उनके फंक्शन वगैरह में स्टेबिलिटी के लिहाज से, तो जो लैटरल है ये आपका एज कम्पेयर टू मीडियल साइज में छोटा मेनिस्किस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मीडियल जो है वो आपकी क्योंकि साइज में इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मीडियल साइड पे जो आपकी अलाइनमेंट्स कुछ इस तरह की हैं, बॉडी मैकेनिक्स कुछ इस तरह की बनती है कि मीडियल साइड पे आपका जो वेट है, वेट बेरिंग वो ज्यादा होती है, तो वेट बेरिंग जहाँ पे ज्यादा है वहां पे कुशनिंग और वहां पे शॉक एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक। सेकेंडली यहाँ पे जो अटैचमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मीडियल मेनिस्किस क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो उसको स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। कलेटरल लिगामेंट जो है आपका मीडियल, वो भी मीडियल मेनिस्किस के साथ अटैच है, आपका ACL वो भी मीडियल मेनिस्किस के साथ अटैच है, मीडियल मेनिस्किस इटसेल्फ जो उसकी ट्रांसवर्स लिगामेंट के साथ आपस में दोनों मेनिस्किस कनेक्टेड हैं, तो इसकी जो अटैचमेंट है ना मीडियल साइड पे वो बहुत ज्यादा है मीडियल मेनिस्किस की, इसलिए ये बहुत ज्यादा फर्मली क्या है आपके जो जॉइंट है या जो बोन है उसके साथ अटैच है। यही रीजन है कि अगर तो नॉर्मल हालात हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल फोर्सेस लग रही हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब अचानक सडन कोई मूवमेंट इस तरह की होती है कि अचानक आपकी जब फॉर एग्जाम्पल आप स्टैंडिंग पोजिशन में है या कोई भी ऐसी पोजिशन जिसमें आपका फुट जो है वो ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है और अचानक जो है वो आपको अपनी पोजिशन, अपनी डायरेक्शन जो है बॉडी की कुछ ऐसे चेंज करनी पड़ती है कि आपका जो है वो रोटेशन, सडनली रोटेशन जो है वो आती है, लाइक आप गौर करें कि आप सिंपल स्टैंडिंग पोजिशन में है और अचानक आपको पीछे से धक्का पड़ता है और आप घूम जाते हैं, आप फुल बॉडी जो है वो आपकी रोटेट कर जाती है बट फुट जो है वो आपका ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, तो टिबिया नीचे फिक्स है लेकिन ऊपर फीमर से लेके ऊपर आपकी पूरी बॉडी जो है वो रोटेट कर गई टिबिया के ऊपर, अब सडन मूवमेंट है
जर्की काइंड ऑफ मूवमेंट है, तो इस तरह की जो मूवमेंट्स है ना, जो खास तौर पर रोटेशन जिसके अंदर आ जाती हैं, अचानक से अपनी पोजिशन चेंज करना, रोटेशन और डायरेक्शन वगैरह चेंज करना, उसमें अक्सर औकात आपको ये देखा गया होगा कि आपका लिगामेंट इंजर कर जाता है ACL, लेकिन साथ में अक्सर पेशेंट्स जो है वो ऐसे आते हैं जिसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि ACL तो जो रप्चर हुआ ही हुआ, वो आपका मीडियल मेनिस्कस को भी साथ में क्या किया उसने, रप्चर कर दिया। रीजन बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो मीडियल मेनिस्कस है खास तौर पर उसकी अटैचमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, वो फर्मली अटैच है आपके बोन के साथ। तो जब भी कोई सडन काइंड ऑफ मूवमेंट होती है ना, तो इसके अंदर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर लेट्स से ACL इंजर हुआ है तो ACL डायरेक्टली मेनिस्कस के साथ भी लिंक्ड है, अटैच है, तो ACL अपने साथ साथ मीडियल मेनिस्कस को भी इंजर कर देता है। अगर मीडियल कलेक्टर लिगामेंट जो है वो इंजर हुआ है उसकी सडन मूवमेंट की वजह से, इंजरी की वजह से, तो मीडियल कलेक्टर लिगामेंट इटसेल्फ मेनिस्कस के साथ अटैच है, तो वो अपने साथ साथ मेनिस्कस को भी जो है वो इंजर कर देता है। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अगर उसकी अटैचमेंट्स ज्यादा रखी गई हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी इसमें क्रिएट हो जाता है कि क्योंकि ये बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ इतना वेल अटैच्ड है कि अगर एक कोई और स्ट्रक्चर जो है वो इंजर हो रहा है तो अपने साथ साथ वो मीडियल को भी जो है ना वो रप्चर कर देता है। As compared to lateral, अगर हम देखें ना, तो lateral जो meniscus है वो mobile ज़्यादा, उसकी attachments बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो जब attachments ज़्यादा नहीं है तो उसकी इंजरी के चांसेस भी उतने कम है। और वो मोबाइल क्यों है, उसकी रीजन मैंने आपको पहले बताई, क्योंकि जो हमारा वेट है वो ज्यादा हमारा मीडियल साइड पे आता है, लेटरल साइड पे इतना ज्यादा वेट हमारा बॉडी नॉर्मल मैकेनिक्स के अंदर नहीं आता। तो वो जितना थोड़ा बहुत उसका वेट लेटरल के ऊपर आता है और उसको जितनी जो है वो मोबिलिटी और जितनी उसकी स्टेबिलिटी की जरूरत है वो नेचर ने उसको प्रोवाइड की भी है, अदरवाइज वो मोबाइल भी है और उसकी उसके ऊपर फोर्सेस भी इतनी ज्यादा नहीं लगती, वेयर टियर भी उसके अंदर कम होता है, और जो सडन ट्रॉमा के केसेस हैं उनके अंदर लेटरल मेनिस्कस बहुत कम जो है वो रप्चर होने के चांसेस हमें मिलते हैं। वो उन केसेस के अंदर है कि सीवियर काइंड ऑफ ट्रॉमा जो है वो आपने फेस किया है, तब जाके कि आपका मीडियल भी जा रहा है और उसके साथ साथ आपका लैटरल मेनिस्कस भी इंजर हो रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो एनाटॉमिकल इसके अंदर फर्क है। साथ में इसमें ये चीज है कि ये आपके जो मेनिस्कस है वो आउटर बॉर्डर जो है वो इसके वो थिकर होते हैं, सेंट्रल पोर्शन जो है वो इसका इनरवेटेड भी नहीं होता। इट मीन्स कि अगर आपका जो सेंट्रल पार्ट है वो अगर आपका इंजर हो रहा है तो उसकी पेन आपको एज सच जो है वो फील नहीं होती है, क्योंकि वो इनोवेटेड पार्ट नहीं है। जो आउटर पार्ट्स हैं वो थिकर भी इसलिए हैं क्योंकि ज्यादा जो वियर टियर होनी है वो इन्हीं के ऊपर होनी है, ताकि वो पहले ही उनको इस तरह से डेवलप किया गया है कि वो इतने स्ट्रांग हो कि वो आपकी इन सारे वियर टियर्स को, ट्रॉमास को बियर कर सके। बट इन केस अगर जैसे पहले अभी आपको बताया कि रप्चर वगैरह हो सकता है, टीयर वगैरह हो सकता है, तो उस केस में आपके जो आउटर बॉर्डर्स हैं उनके अंदर रप्चरिंग ज्यादा आती है, क्योंकि आउटर साइड जो है वो कहीं ना कहीं अटैच ज्यादा है स्ट्रक्चर्स के साथ, सेंट्रल पार्ट जो है वो उसकी एज इन डायरेक्ट अटैचमेंट बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ नहीं है। तो अगर आपके आउटर पार्ट जो है वो भी इनर्वेटेड ना होता तो उसका नुकसान क्या होता कि हमें पेन ही फील नहीं होती। अब अगर पेन फील नहीं होगी तो नोबडी नोज कि आपके जॉइंट के अंदर क्या चल रहा है, आपकी जॉइंट का ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रप्चर हो गया हुआ है और आपको पता ही नहीं चला और आप अपने काम जो है वो करते चले जा रहे हैं, वो एक टाइम आएगा कि विदाउट योर नोइंग आपका जो मेनिस्कस है वो इतनी बुरी तरह से जो है वो रप्चर हो जाएगा कि आप उसके बाद उसको कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो आपको ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ना स्टेबिलिटी देगा, ना आपको जो है वो कुशनिंग प्रोवाइड करेगा। अब इसके साथ अब इसका क्या फायदा क्या है कि इनर्वेशन रखने का मतलब ये है कि पेन फील होगा वेन एवर कोई भी प्रॉब्लम आता है, किसी भी किस्म की इंजरी आती है तो पेन फॉरन इंड्यूस होके आपको बता देती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप जरा देखभाल के अपना जो घुटना है ना उसको यूज करें, देखभाल के अपना नी जो है उसको यूज करें। पेशेंट जो है वो पेन गार्डिंग की वजह से, पेन के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की वजह से उस पर्टिकुलर ज्वाइंट को मूव नहीं करता और उस पर्टिकुलर इंजरी को, उस स्ट्रक्चर को हील होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो नेचर प्रोवाइड कर देती है, सिंपल एक पेन फीलिंग की वजह से। तो हम समझते ये हैं कि पेन जो है वो बड़ा कोई मसले वाली चीज है,
हालांकि अगर गौर करें तो ये वही वाली बात आ जाती है जो हमारे ईमान का भी एक पार्ट है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज जो रखी है वो इंसान के फायदे के बगैर नहीं है। तो इट मीन्स कि अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त भी आ रहा है, पेन को अगर हम देखें तो वो एक मुश्किल वक्त ही है ना आपके लिए, एक प्रॉब्लमेटिक है, इरिटेटिंग काइंड ऑफ जो है वो फीलिंग है, तो उसके अंदर भी क्या है आपके लिए बेहतरी है। अगर आपको पेन फील ना हो तो यू वुड नेवर नो कि आपके प्रॉब्लम कोई चल रहा है। आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम है तो आप उसको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज आप उसको कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है, और वो खराब होता चला जाएगा। चलें अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं जो कि है हमारा मेजर जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के स्ट्रक्चर्स हैं लिगामेंट्स। और लिगामेंट्स के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो कोलेटरल लिगामेंट की बात करते हैं। ये जो येलो एरोज आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली आपके क्या है, लिगामेंट्स हैं, कोलेटरल लिगामेंट्स जो कि आपके साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। मीडियल साइड से आपके फीमर के कंडाइल को टिबिया के कंडाइल के साथ कनेक्ट करता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, और साथ में उसकी एक अटैचमेंट आ जाती है आपके मेनिस्कस के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेनिस्कस बिल्कुल यहाँ पे साइड पे पड़ा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो लैटरल साइड है, फिबुला वाली साइड जो है, वहां पे आपके कंडाइल्स को फिबुला के साथ और टिबिया के साथ कनेक्ट करने वाला जो लिगामेंट है वो है आपका लैटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। अब देखो, अब अगर टिबिया जो है वो आपकी बहुत ज्यादा एबडक्टेड पोजीशन में जा रही हो, ये मिड लाइन आप कंसिडर कर लें, अगर मिड लाइन से अवे जा रही है एबडक्टेड पोजीशन के अंदर, आप ये समझ लें कि ये पैसिव एबडक्शन अगर आप कंसिडर कर लें, तो अब ये लिगामेंट इस साइड पे प्रेजेंट है। ये जब भी आपकी फीमर जो है वो बाहर की तरफ एबडक्टेड पोजिशन में लैटरल साइड पर जाएगी, ये इसको यहां से खींच लेगा, ये इसको यहाँ से खींचेगा और इसको यहाँ पे ये क्या कर लेगा, लिमिट कर लेगा। अब इसी तरह से अगर ये इसकी टिबिया की एबडक्शन को अगर ये लिमिट कर रहा है, पैसिव एबडक्शन को, जी मैम ये जरा दोबारा बता दे। ओके, आप देखें कि ये आपके मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की मैं बात करने लगी हूँ, मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये मीडियल साइड से आपकी बोन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। जब भी आपकी टिबिया जो है वो लैटरल साइड को ज्यादा जाएगी, यानी एबडक्शन की तरफ ज्यादा जाएगी, तो ये आपको क्या करेगा, ये टाइट होके आपको खींच लेगा, पुल कर लेगा टिबिया को, और मजीद आपको क्या है, ज्यादा एक मतलब लिमिट से बाहर इसको लैटरल साइड पे मूव नहीं करने देगा, इस डायरेक्शन में मूव नहीं करने देगा ज्यादा। अच्छा, अब ये इसका अगर फंक्शन है, इट मीन्स कि अगर कोई ऐसी मूवमेंट प्रोड्यूस होती है जो कि आपके टिबिया को बहुत ज्यादा जो है वो फोर्सफुल एबडक्शन के अंदर लेके जाती है, फोर्सफुली एक लैटरल साइड की तरफ जो है वो लेके जाती है, तो ये एक खास हद तक ही स्ट्रेच हो सकता है ना, ये एक खास हद तक जो है वो टाइट होके आपको स्टेबिलिटी देगा। जब आप उसकी लिमिट से बढ़ जाओगे, जब उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जब वो आपको होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये रप्चर कर जाएगा, ये रप्चर कर जाएगा। अब क्योंकि ये अटैच है साथ में मेनिस्कस के साथ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ आपका मीडियल मेनिस्कस भी क्या होता है, साइड से इसकी जो मीडियल साइड है वहां पे इसकी कोई टियरिंग आ जाती है। अब टियरिंग डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की है, वो ग्रेड वन है, ग्रेड टू है, ग्रेड थ्री है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ थोड़ा सा बहुत मैकेनिज्म जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका क्या है कि लैटरल साइड पे आपको कोई हिटिंग इस तरह की होती है, लाइक फॉर एग्जांपल आप जरा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें कि एक पर्सन है वो रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब रोड क्रॉस करते हुए उसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी खराब हुई है कि जो साइड से पीछे से आने वाली गाड़ी है उसके बारे में उसको जो है ना वो सही टाइमिंग उसकी नहीं हुई, स्पीड को वो सही से नहीं देख सका, और वो क्या है कि वो गाड़ी या वो गाड़ी वाला जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली टाइम से पहले ब्रेक नहीं लगा सका। अब क्या हुआ है कि गाड़ी ने हिट किया है पर्सन को जो कि रोड क्रॉस कर रहा है। अब जो एक पर्सन है जिसको गाड़ी हिट की है वो बेसिकली उसके नी की लैटरल साइड पे आके गाड़ी ने उसको हिट किया है। अच्छा, अब टांग की नी के नहीं हम लेग की बात करते हैं, लेग के लैटरल साइड पे उसको हिट किया। अब लेग जो है वो गाड़ी के फोर्स की वजह से ये लेग मीडियल साइड के ऊपर ज्यादा जो है वो जाएगी, एडक्शन पोजीशन के अंदर जो है वो ज्यादा जाएगी, ठीक है, क्योंकि लैटरल साइड से उसको हिट किया ना, फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगी है, तो लेग क्या है
मीडियल साइड की तरफ जो है वो ज्यादा मूव करेगी. अब यहाँ पे जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, इसका काम क्या था कि आपकी लेग को मीडियल साइड पे जो मूवमेंट है उसको लिमिट करना, या पैसिव एडक्शन को जो है वो लिमिट करना. अब गाड़ी जब इतनी जोर से आके हिट की है तो ये जो कोलेटरल लिगामेंट था ये उसकी पहुंच से बाहर था, ये उसकी कह लो के लिमिट से बाहर की चीज थी कि ये उसको होल्ड करके रखेगा. तो ये क्या होगा कि ये ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से यहाँ से ये रप्चर कर जाएगा. फायदा इसमें इतना हो जाता है कि डायरेक्ट आपके लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की कोई अटैचमेंट जो है ना वो आपके मेनिस्कस के साथ नहीं है. आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पे ये गैप आपको नजर आ रहा है, ऑल्दो कि ये इतना ज्यादा गैप नहीं होता, ये सिर्फ पिक्चर की हद तक आपको दिखाया हुआ है, लेकिन समझाने के लिए कि डायरेक्ट आपकी अटैचमेंट जो है ना वो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल मेनिस्कस की आपस में नहीं है. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मीडियल और मेनिस्कस आपस में ये आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं. अब इस केसेस में ये फायदा हो जाता है कि आपका अगर सिर्फ लैटरल कोलेटरल लिगामेंट गया है, रप्चर हुआ है, इंजर हुआ है, तो इसके साथ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में कोई और स्ट्रक्चर जो है वो एज सच जो मेनिस्कस है या कोई और लिगामेंट है उसके रप्चर या इंजरी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, कम रह जाते हैं. ठीक है, तो एज कम्पेयर टू अगर हम कंपेयर करें लैटरल और मीडियल को, तो मीडियल के जो चांसेस हैं वो एक तो कह लो कि ज्यादा भी हैं, या इसके साथ जो है वो आपकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इसके अंदर ज्यादा हो जाती हैं. ठीक है, और लैटरल जो है वो बड़ा कॉमनली रप्चर होने वाला लिगामेंट है, वो इस वजह से क्योंकि लैटरल साइड है, लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, और अक्सर जो है वो हम जो इंजरीज हैं वो लैटरल काइंड की जो है वो हो जाती हैं. जैसे कि फुटबॉल वगैरह अगर आप जो हाई कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर जो है वो ये लैटरल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑटोमोबाइल जिस तरह के एक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर ये चीज जो है वो कॉमन है. तो ये आपका लिगामेंट जो है वो काफी कॉमन है इसका रप्चर. मैम लैटरल साइड पे क्योंकि वो अटैच भी नहीं ना है उस साइड पे, मीडियल साइड पे तो अटैच है ना, इस वजह से भी मीडियल साइड पे अटैचमेंट है. बिल्कुल है, मैं आपको वही बता रही हूँ कि लैटरल जो है एक तो उसकी अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, मेनिस्कस या किसी और फर्दर स्ट्रक्चर के साथ. सेकेंडली ये हमारा एक्सपोज्ड साइड है जिसपे अगर कोई चीज हिट करेगी तो लैटरल पे लगेगी ना, घूम के आके मीडियल साइड पे तो आके लगने से रही. मीडियल साइड आपका प्रोटेक्टेड काइंड है एक तरह से, जो एक्सपोज्ड होने की वजह से आपका जो लैटरल है ना वो ज्यादा कॉमन है, उसके ऊपर इंजरी के चांसेस, साथ में कॉम्प्लिकेशन इसमें कम होती है क्योंकि ये इसकी डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है. दूसरे केस के अंदर आपका जो मीडियल है, मीडियल के भी रप्चरिंग जो है वो ज्यादा है, कॉमन है, वो किस वजह से है, वहां पे स्ट्रेसेस ज्यादा हैं, वहां पे अटैचमेंट्स जो है वो ज्यादा हैं. लेट से आपकी जो इंजरी है उसका मैकेनिज्म था कि मेनिस्कस ने टूटना है, लेकिन क्योंकि मेनिस्कस आपके लिगामेंट के साथ भी अटैच है तो वो अपने साथ साथ लिगामेंट को भी तोड़ देता है. मैकेनिज्म की बात करें, अगर आपका एक्सपोज्ड साइड नहीं है मीडियल साइड, लेकिन बाकी जो मैकेनिक्स है वहां पे वो उसको वल्नरेबल कर देती है इंजरी के लिए. बात फॉलो की है? यस मैम. चलो अब हमारे जो एडिशनल लिगामेंटस सपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे वो क्या है. अब वो है आपका लाइक इलियोटिबियल बैंड. ठीक है, इलियोटिबियल बैंड जो है वो वैसे तो आपका टेंसर फेशिया लाटा जो मसल है जो कि आपके पेल्विस और हिप रीजन से आ रहा है, वो उस मसल का बेसिकली टेंडन है. लेकिन वो टेंडन एक तो लॉन्ग है, थिक टेंडन है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग टेंडन है कि वो जस्ट लाइक एक्ट करता है आपका लिगामेंट. ठीक है, तो आपको अदर देन लिगामेंट्स जो एक एडिशनल सपोर्ट यहाँ से मिल रही है लैटरल साइड के ऊपर, वो आपकी इलियोटिबियल बैंड से आपको मिल रही है. कि आपका ये जो इलियोटिबियल बैंड है वो लैटरल साइड से आपको क्या करता है, फीमर और टिबिया को होल्ड करके रखता है. तो ये एक एडिशनल काइंड ऑफ सपोर्ट है. ये आपका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जिनकी बेस के ऊपर जो है वो आपका नी ज्वाइंट मैक्सिमम जो है वो स्टेबल है. अब वो क्या है, वो क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं. क्रूशिएट लिगामेंट्स आपको पता है कि एक्स शेप के, क्रॉस शेप के जो है वो आपके लिगामेंट्स हैं.
और ये टिबिया और फीमर को ये जो कंडाइलर एरिया है इंटरकंडाइलर एरिया यहाँ से क्या करते हैं क्रॉस शेप में अटैच करते हैं और साथ में क्या करते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से है इंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट की अगर हम बात करें और दो ही है इंटीरियर है या पोस्टीरियर है। ठीक है, और इन दोनों के अटैचमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि आपके इंटीरियर एक बोन का इंटीरियर साइड पे अटैचमेंट है लिगामेंट की तो जो दूसरी बोन है उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो इन्वॉल्व। ठीक है, लाइक इसकी अगर हम डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, ये आपको पिक्चर में जो है वो इंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट जो है वो दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये पिक्चर में पोस्टीरियर साइड से आपको ये पोस्टीरियर क्रूशेट लिगामेंट जो है वो दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इंटीरियर जो है ना वो आपका दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इंटीरियर आपका ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है और जो पोस्टीरियर क्रूशेट लिगामेंट है जो पोस्टीरियर क्रूशेट लिगामेंट है ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ACL, शॉर्टर है जो इसकी एनाटमी है शॉर्ट है लेकिन ACL से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका PCL। अच्छा, अब देखो स्ट्रॉन्ग ज्यादा होने की वजह से इसकी जो आपको फ्रीक्वेंसी या जिसको हम कहते हैं ना कि प्रेवलेंस की अगर हम बात करें तो आपने ज्यादा कॉमनली सुना होगा कि ACL रप्चर हो रहा है फुटबॉलर्स में, तो ये बहुत कॉमन चीज है। हाई कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स इंजरीज जो है उसमें इंतहाई ये कॉमन चीज है लिगामेंट क्रूशियट लिगामेंट्स का रप्चर होना, और उन दोनों में से भी कंपैरेटिवली कौन सा ACL का रप्चर ज्यादा कॉमन है, PCL का रप्चर जो है वो अनकॉमन है। अनकॉमन इन अ सेंस आप कह लो कंपैरेटिवली इंजर हो सकता है, उसकी भी फॉल्टी मैकेनिक्स है, आपको इंजर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ज्यादा जो आपके पास रेशियो आती है वो आपके इंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट की इंजरी की ज्यादा आती है। अब इसकी एक और रीजन क्या है, अगेन वही वाली बात कि अटैचमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ACL जो है वो आपके बोन के साथ भी अटैच है, आपके मेनिस्कस के साथ भी अटैच है और फर्दर आपके जो कैप्सूल है उसके साथ भी इसकी जो है वो अटैचमेंट आ जाती है। तो इन एनी स्ट्रक्चर अगर कोई इंजर हो रहा है, कोई आपके सडन जो है वो आपकी चेंज आई है डायरेक्शन की, अब आप गौर करो ना कि जो फुटबॉल है या बास्केटबॉल काइंड ऑफ या रग्बी है, ये गेम्स इस तरह की हैं कि बॉल की पोजेशन के चक्कर में आपको अचानक से जो है ना वो डॉज करने के लिए अगले कंपेटिटर को अगले प्लेयर को डॉज करने के लिए आपको अचानक से अपनी डायरेक्शन अपनी फोर्स अपनी जो है ना वो रोटेशन क्रिएट करनी पड़ती है, रोटेशन डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको अपने आप को घुमाना पड़ता है। टिबिया फिक्स्ड है क्योंकि आप जमीन पर भाग रहे हो ना, फुट आपके प्लांटेड है और अचानक आपको जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, ये बेसिक मैकेनिज्म है आपके मेनिस्कस और क्रूशिएट लिगामेंट खास तौर पे इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी का। अचानक जब फुट प्लांटेड होता है और नियर टू एक्सटेंशन पोजीशन, ठीक है, नियर टू एक्सटेंशन पोजीशन, जब आपका फुट प्लांटेड है और अचानक से आपकी अपर बॉडी जो है टिबिया के ऊपर रोटेट कर जाती है इन ईदर डायरेक्शन इंटरनल एक्सटर्नल वट एवर, जब ये रोटेट कर जाती है तो आपका ACL के ऊपर जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेच जो है वो बढ़ जाता है। अगर ये जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो और अचानक जो है वो सडन हो डायरेक्शन चेंज करना, तो अक्सर होगा जो है वो बहुत कॉमनली प्लेयर्स के अंदर ये ACL जो है ना वो रप्चर कर जाता है। अब यहाँ पे ACL जो है और मीडियल मेनिस्कस इनका मैकेनिज्म जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है, इनके अटैचमेंट्स भी एक दूसरे के साथ हैं। अब आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि ACL के साथ अक्सर बहुत मतलब कहने के 90% केसेस के अंदर मीडियल मेनिस्कस की इंजरी भी समवट आपको कॉम्प्लिकेशन में मिलेगी, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंजरी की जो सेवेरिटी है वो कुछ ज्यादा है तो ACL मीडियल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस क्योंकि आगे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के साथ अटैच है, ये तीनों चीजें जो है वो इकट्ठी रप्चर हो जाती हैं और इस पर्टिकुलर जो इंजरी है उसको हम कहते हैं अनहोली ट्रायड। ट्रायड का मतलब होता है तीन, ठीक है, तीन चीजें इकट्ठी जो है वो रप्चर हो रही है और वो
मेजर आपकी चीजें हैं आपको सपोर्ट देने वाली, इसलिए उसको अनहोली नाम दिया गया कि मतलब बहुत ही ज्यादा कोई कर्सफुल चीज है कि इससे ज्यादा तो बदकिस्मती हो ही नहीं सकती ना, कि आपकी तीनों चीजें जो मेजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो तीनों की तीनों आपके क्या हो जाए, रप्चर हो जाए। तो एज कम्पेयर टू इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, आपका जो पोस्टीरियर लिगामेंट है क्रूशिएट, ये स्ट्रॉन्गर भी ज्यादा है, इसकी एज सच डायरेक्ट अटैचमेंट्स भी कोई नहीं है, और ये जो है ना इसकी इंजरी के चांसेस भी कम होते हैं। ये किस वक्त इंजर होता है? ये उस वक्त इंजर होता है जब आपकी हाइपर फ्लेक्शन के अंदर आपका नी जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये जो फॉल्टी मैकेनिक्स है उसको अगर मैं आपको डिस्कस करूं कुछ इस तरह से कि अगर ऐसे जब आप जंप करते हैं किसी हाइटेड जगह से, किसी हाइट से आपने जंप किया है, तो जंप करने का ना एक खास तरीका होता है, खास प्रिकॉशंस जो है वो कुछ या कुछ गाइडलाइंस बताई जाती हैं कि अगर आपने जंप करना है ना तो जंप आप इस तरह से करें कि एक तो आप बिल्कुल अपने फ्लैट फीट के ऊपर जंप ना करें, सेकेंड ये चीज आ जाती है कि आप जब करें तो आप अपने आप को जो है ना वो बिल्कुल जमीन के ऊपर जाके बैठ ना जाएं, जैसे आप बिल्कुल फ्लेक्स पोजीशन के अंदर ना चले जाएं, ठीक है। रीजन क्या है कि जब आप जंप करते हैं उस वक्त आपके, और जब आप बिल्कुल हाइपर फ्लेक्शन के अंदर चले जाते हैं उस वक्त आपके पोस्टीरियर साइड से आपके जो नी को होल्ड करने वाली चीज है वो है आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के ऊपर जो स्ट्रेस है या स्ट्रेच है वो बढ़ जाता है और उस केसेस के अंदर वो रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपकी जो मैकेनिक्स है खासतौर पर जंप के हवाले से वो ये है कि आपने अपने नी को, आपने अपनी बॉडी को मिड स्क्वाट पोजिशन के अंदर रखना होता है, ना आप उसको हाइपर फ्लेक्स करें और ना आप ये काम करें कि आप बिल्कुल जंप किया तो बिल्कुल एक्सटेंडेड नीज के ऊपर करें। एक्सटेंडेड नीज के ऊपर जब आप जंप करते हैं तब ACL के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप हाइपर फ्लेक्स्ड नी के साथ जो है वो जंप करते हैं बिल्कुल जमीन पर बैठ ही जाएंगे तो उस टाइम आपका पोस्टीरियर जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये मैकेनिक्स है कुछ जो कि आपकी इन लिगामेंट्स को जो है वो रप्चर कर सकती है। अब इसका ये देख लेते हैं कि कौन सा जो लिगामेंट है वो पर्टिकुलरली आपकी कौन सी मूवमेंट को लिमिट कर रहा है। तो पहले यहाँ पे आपको ये हल्की सी जो है ना वो बॉक्स डायग्राम दिखाई दी है समझाने के लिए कि ऊपर आपके पास क्या है, फीमर बोन है, और नीचे आपके पास टिबिया है, ये दो आपके पास लिगामेंट्स हैं। सामने ये क्या पड़ा हुआ है, आपकी पटेला पड़ी हुई है, और ये क्रॉस में आपको ये दो लिगामेंट्स अटैच। अब क्या है आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं येलो कलर इज फॉर ACL, ठीक है। यहाँ पे अब ये ACL की अटैचमेंट है, ठीक हो गया, ये ACL आपका अटैच। अब ACL का काम क्या है, ये जो आपको एरो शो कर रहे हैं, एक तो दो इनका फंक्शन ये आ गया कि ये आपकी जो टिबिया है, टिबिया को इंटीरियर, ये आपकी पटेला है ना, पटेला सामने की तरफ होती है, अच्छा, ये आपकी टिबिया को इंटीरियर मूवमेंट करने से प्रिवेंट करती है, एक्सेसिव मूवमेंट, ठीक। और ये फीमर की अगर हम बात करें, इन रिलेशन टू फीमर अगर देखा जाए, क्योंकि दो अटैचमेंट है ना, एक टिबिया पे है इंटीरियर साइड पे, और पोस्टीरियरली ये फीमर पे जाके अटैच होती है, तो फीमर को टिबिया के ऊपर पोस्टीरियरली स्लाइड करने से रोकेगी। दो काम है, अब आपने इनको रिलेशन मतलब याद रखना है कि रिलेटिवली आप किस के रिलेटिवली बात कर रहे हैं। लाइक अगर आपसे ये पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सिनेरियो या छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जी ACL का फंक्शन बताएं। अब ACL का फंक्शन रिलेटिव टू व्हाट, अगर आप टिबिया के रिलेटिवली बात कर रहे हैं तो ACL आपकी टिबिया को इंटीरियर जो है स्लाइडिंग उसको प्रिवेंट करता है, एक्सेसिव एक लिमिट प्रोवाइड करेगा, लिमिट तक उसके बाद उसको रोक लेगा। अब इंटीरियर मूवमेंट नी के ऊपर क्या है भला, एक्सटेंशन, ठीक है ना, एक्सटेंशन, जब आप फ्री है आपका फुट उस टाइम पे एक्सटेंशन में आपकी टिबिया इंटीरियरली मूव करती है फीमर के ऊपर, तो एट दैट टाइम आपकी टिबिया को हाइपर एक्सटेंड होने से कौन प्रिवेंट करेगा, बोलो, ACL ligament. Exactly. Interior side पे आपकी tibia को prevent करना है, hyper extension को prevent करना है ACL में। अब again इसके अब दूसरी attachment की हम बात कर लेते हैं।
दूसरी साइड पे आपकी फीमर को ये पोस्टीरियरली स्लाइड करने से रोकेगा. फॉर एग्जाम्पल जब आप सिटिंग स्टैंडिंग पोजिशन में है, फुट आपका प्लांटेड है और अब आपने बैठना है, अब आप बैठना जब चाह रहे हैं तो आपकी फीमर मूव करेगी. फीमर को जो है वो प्रिवेंट करना एक्सेसिव मूवमेंट, वो क्या है आपकी ACL का काम है. दो काम आ गए आपके इन रिलेशन टू टिबिया और इन रिलेशन टू फीमर. ये आपकी चीजें याद रखनी है. अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है आपके PCL का काम है. अब ये जो ब्लू कलर है ना ये आपका PCL आपको शोकर. अब PCL का काम क्या है इन रिलेशन टू अगर मैं टिबिया बात करूं तो क्योंकि इसकी जो अटैचमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि ये पोस्टीरियर साइड पे अटैच है टिबिया के और यहां से ये क्रॉस में जाता है और इंटीरियर साइड ऑफ फीमर जाके अटैच होता है. यानी कि अब इसका काम क्या होगा कि अब क्योंकि इंटीरियर साइड ऑफ फीमर पे अटैच है ये तो फीमर की फॉरवर्ड इंटीरियर स्लाइडिंग ऑन टिबिया उसको ये प्रिवेंट करेगा, एक्सेसिव को रोकेगा, टाइट होके उसको लिमिट कर देगा. और दूसरी तरफ आपकी ये जो टिबिया है टिबिया को पोस्टीरियरली स्लाइड करने से ये क्या करेगा प्रिवेंट करेगा. जैसे कि हाइपर फ्लेक्शन का केस जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हाइपर फ्लेक्शन जब हो रही है अगर वो इसका ये जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आपने हाइपर फ्लेक्शन की है तो यहाँ से ये अटैचमेंट जो है वो आपको होल्ड नहीं कर पाती है, आपको रेजिस्ट नहीं कर पाती है और यहाँ से ये इंजर हो जाएगा और आपकी जो टिबिया है वो पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी इनस्टेबल हो जाएगी. ये पिक्चर बड़ी अच्छी बनी हुई है बेटा, बड़ी सिंपल सी चीज है लेकिन इसमें आपकी ना मैकेनिक्स आपको बहुत अच्छे से शो हो रही है और समझ भी आ रही होगी. इसको अगर आप एक दफा अच्छे से जो है वो मेमोराइज कर लो, इसको अगर आप दिमाग में बिठा लो, आप अटैचमेंट्स को दिमाग में बिठा लो ना कलर्स के अकॉर्डिंग तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना भी आसान रहेगा और आपको ये चीज भूलेगी नहीं कि आपकी बेसिकली इंटीरियर और पोस्टीरियर का काम क्या है. ये अक्सर गलती हो जाती है. इवन आप यकीन करें कि मैं भी समटाइम्स जो है ना वो कभी कभार कंफ्यूज हो जाती थी कि इंटीरियर का क्या काम होता है और पोस्टीरियर का क्या काम होता है क्योंकि उसकी अटैचमेंट्स जो है ना वो इतनी अच्छे से माइंड में जो है ना वो क्लियर नहीं होती थी पहले. इस तरह से चीजों को क्लियर करोगे ना ये चीजें याद भी रहेंगी और आसान भी रहेंगी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका इंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट आपको पर्टिकुलरली किस तरह से स्टेबिलिटी दे रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर और PCL किस में दे रहा है. डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है इन रिलेशन टू फीमर या इन रिलेशन टू टिबिया क्योंकि इन दोनों लिगामेंट्स की दो दो अटैचमेंट्स हैं, दो साइड्स पे अटैचमेंट है ना तो दोनों के अटैचमेंट्स की जो पॉइंट्स हैं वहां से उनकी जो मूवमेंट है जो उनका फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, वो डबल है. ठीक है तो इसको याद रखना है आप लोगों ने अच्छे से. ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का बता दिया कि जो क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं वो किस किस डायरेक्शन में आपको लिमिटेशन दे रहे हैं. अब अगला जॉइंट जो हमारे पास आ जाता है ना वो है पटेलो फेमरल. और पटेलो फेमरल का क्या है, ये आपका पटेला और फीमर के दरमियान में जॉइंट बनता है. सेस्मोइड बोन है, टेंडन्स के अंदर एम्बेडेड बोन है और इसका बेसिक असल में ये है क्यों, ना भी होती तो क्या फर्क पड़ता, और भी तो कहीं भी हमारे पास सेस्मोइड बोन नहीं पड़ी हुई ना, यहीं पे अल्लाह ताला को रखने की क्या जरूरत पड़ी थी. यहाँ पे बेसिकली आपका जो कॉर्डिसेप्स का टेंडन है ये आपके पटेला के ऊपर आके अटैच होता है, वी ऑल नो दैट. ठीक है, एनाटॉमी हमें जहां पता है इस चीज की. लेट से आपकी पटेला नहीं है, अगर पटेला नहीं है ना तो ये कंडीशन बनेगी कुछ इस तरह की, फीमर टिबिया और ये आपका कॉर्डिसेप का टेंडन है जो कि डायरेक्ट आके टिबिया के साथ अटैच हो जाए. ये आपका क्या बनता है, ये आपकी फोर्सेस की डायरेक्शन बन रही है. ठीक, अच्छा ये बिल्कुल 90 के एंगल पे जो है ना वो फोर्सेस लगती. यहाँ पे वो जो टॉर्क वाला एलिमेंट है ना, ये टॉर्क का क्या होता है भला कि वो एक डिस्टेंस होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फिजिक्स में भी बायोमैकेनिक्स के अंदर भी कि एक जो डिस्टेंस है ना जो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पे मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होनी है वहां से वो जो डिस्टेंस है जहां पे फोर्स लगनी है
जितना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होता है उतना ज्यादा आपकी जो है वो टॉर्क अच्छा प्रोड्यूस होता है और फोर्स कम से कम लगानी पड़ती है। दरवाजे की आपको एग्जांपल जो है ना वो हमेशा से फिजिक्स में ये चीज पढ़ते आए हैं हम कि जो डोर नॉब है वो आपकी वो जो हिंजेस हैं जहां से डोर अटैच होता है जहां पे रोटेशन आनी होती है वहां से वो मैक्सिमम दूर होता है। रीजन ये है कि वो जो डिस्टेंस है ना जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम लगेगी और टॉर्क उतना अच्छा प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये जो पटेला रखने का मकसद है ना वो क्या था, वो डिस्टेंस प्रोवाइड करना था जो टॉर्क को अच्छे से प्रोड्यूस करे और फोर्स कम से कम लगे। आप गौर कर सकते हैं इन दोनों डायग्राम्स के अंदर, यहाँ पे जो अटैचमेंट साइट है उसमें और ये जो आपकी डिस्टेंस है ये बिल्कुल मिनिमम है, बिल्कुल बोन के साथ आपका जो है वो मसल अटैच है। यहाँ पे ये आपको पटेला जो है वो ये इतना ज्यादा फासला क्रिएट कर रही है दरमियान में। ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना ये आपकी फोर्स को, ये जो कॉर्डिसेप्स की फोर्स है इसको क्या करता है, कम कर देता है 50% तक जो है वो आपको ये एडवांटेज मिलता है टॉर्क का, फोर्स कम हो जाती है और जो मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है क्वाड्रिसेप ने वो अपने मैक्सिमम जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ये बेसिकली एडवांटेज है इसका, मैकेनिकल एडवांटेज जो कि नेचर ने प्रोवाइड किया है आपके जॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस बहुत हैं, बहुत ज्यादा फोर्सेस लगनी है तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे एक पटेला प्रेजेंट है ताकि आपके क्वाड्रिसेप को जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज मिल सके। ठीक है, ये बेसिक इसका फंक्शन है। साथ में यहाँ पे पटेला से रिलेटेड एक जो एनाटॉमिकल फैक्टर है वो है क्यू एंगल का। क्यू एंगल बेसिकली क्या चीज है, एक इमेजिनरी लाइन अगर आप ड्रॉ करें ASIS से, ठीक है, इंटीरियर सुपीरियर आईलेक स्पाइन से और कहाँ पे ये जो मिड जो पटेला है वहां से इसको पास करें, ठीक है, ये डॉटेड लाइन। और सेकेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करें टिबियल टूब्रोस्टी से अपवर्ड जाए और मिड पटेला को क्रॉस करें, ठीक है, ये एक लाइन ये और दूसरी ये डॉटेड लाइन, इनके दरमियान में ये जो एंगल बनता है ना ये बेसिकली क्या है, क्यू एंगल। क्यू एंगल आपकी मैकेनिक्स को चेंज करने, नॉर्मल रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मल जो है ना टिपिकली मेल्स के अंदर ये क्यू एंगल 14 तक होता है और फीमेल्स के अंदर ये 18 तक जो है वो जा रहा होता है। रीजन क्या है कि फीमेल्स के अंदर पेल्विस वाइड होता है, पेल्विस वाइडर होगा ASIS जो है वो और ज्यादा लैटरली प्रेजेंट होगा तो वहां से जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका वो जो एंगल है वो बढ़ जाए। ये तो है नेचुरल उसका फैक्टर। अब ये आपकी मैकेनिक्स को ऑल्टर करता है किस तरह से, अगर आपकी पटेला जो है वो प्रॉपर पोजिशन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है itself, अगर आपका एंगल कम या ज्यादा हो रहा है ये आपकी पटेला की जो पोजीशन है उसको चेंज कर दे, ठीक है, आपकी क्यू एंगल्स जो है पटेला की पोजीशन के अलावा आपके जो जॉइंट्स के एंगल हैं यानी नी जॉइंट का जो एंगल है उसको चेंज कर देगा और वो हमारे पास कुछ दो तरह की ऐसी पोजीशंस जो है वो हमारे पास निकलती है। क्यू एंगल अगर आपका बहुत ज्यादा कम है लाइक वो 14 और जो 15 जो हमारे पास नॉर्मल था उससे भी कम है, अगर आपके पास एवरेज वैसे 8 होता है सॉरी अगर ये आपका 8 से भी कम है, नेगेटिव के अंदर जा रहा है, कम है, तो वो आपकी क्या है कि ये जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट का एंगल है इसको क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है, ये आपके एंगल को कम कर देता है। ये आपके जीनो वैरम कंडीशन हम इसको कहते हैं, जिसको हम बो लेग नीज भी कहते हैं या बो लेगेडनेस या बो लेग्स, इस तरह से भी हम इसको बोलते हैं, बो नीज, बो लेग्स, बो लेगेडनेस, जीनो वैरम, ये सब इसके नाम है। क्या नाम, किस वजह से कि आपका क्यों एंगल अगर कम हो रहा है नॉर्मल से तो वो आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से क्रिएट करता है आपके नी जॉइंट के ऊपर, नी जॉइंट के भी एंगल्स जो है ना उनको कम कर दे और ये आपकी बो नीज जो है वो कंडीशन बनती है। ऑपोजिट साइड क्या है कि अगर क्यू एंगल जो है वो आपके ज्यादा हो रहा है नॉर्मल से लाइक 17 डिग्री से भी ज्यादा हो रहा है तो वो आपकी क्या क्रिएट करता है, ये आपकी
नॉक नीज क्रिएट करता है जिसको हम जीनू वेलगम कंडीशन भी कहते हैं, नी जॉइंट का एंगुलेशन बढ़ जाना, वेलगम हम कहते हैं एंगुलेशन का बढ़ जाना, और जीनू स्टैंड्स फॉर नी और इसका दूसरा नाम है नॉक नीज, नॉक नीज या जीनू वेलगम जो है वो हम इस कंडीशन को कहेंगे। किस केस के अंदर हो रहा है? जब आपका क्यू एंगल जो है वो नॉर्मल से बढ़ रहा है। मसल्स जो है वो यहाँ पे नी जॉइंट के अंदर मोस्टली टू जॉइंट मसल्स हैं, लंबे मसल्स हैं, प्राइमरी मूवमेंट जो है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, और जो इसके प्राइम मूवर्स हैं फ्लेक्शन के लिए आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं और एक्सटेंशन के लिए आपके कॉर्डिसेप्स मसल्स हैं। इसके अलावा मीडियल और लैटरल रोटेशंस भी पॉसिबल होती हैं, ये उस टाइम पे प्रेजेंट है जब आपकी नी की लॉकिंग और अनलॉकिंग जब होनी होती है, जो कि स्क्रू होम मैकेनिज्म है उस टाइम पे। इसी तरह से अब आपके ये जो नी की जो है वो फ्रैक्शन दिखाई हुई है, उसके मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग है, हिप और नी दोनों को क्रॉस करते हैं, बाइसेप फेमरिस है, सेमिटेंडिनोसस है, मेम्ब्रेनोसस है, गैस्ट्रोकिनीमियस है, ये आगे फर्दर नी और एंकल को क्रॉस करेगा। तो सारे ऑलमोस्ट आपके क्या हैं, बड़े बड़े टू जॉइंट मसल्स आ रहे हैं। अब नी एक्सटेंशन में जो क्वाड्स आ जाते हैं उसमें रेक्टस फेमरिस है, वास्टस लेटरलिस है, मीडियलिस है, वास्टस इंटरमीडियस है, ठीक है, ये चार मसल्स आपके क्वाड्रिसेप मसल्स हैं। फिर आपका टेंडन है क्वाड्रिसेप टेंडन जो कि पटेला के ऊपर अटैच है, और फिर पटेलर लिगामेंट है जिससे पटेला नीचे साइड पे आपकी टिबिया के साथ जो है वो अटैच है। बाइसेप फेमरिस मसल है, ठीक है, ये आपकी लैटरल रोटेशन में जो है वो रोल प्ले करता है। मीडियल रोटेशन के अंदर आपके वही वाले मसल्स हैं बट इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, डबल फंक्शन है, सेमी टेंडिनोसिस है, मेम्ब्रेनोसिस है, पोपलीटियस है, ये पोपलीटियस खासतौर पे आपका स्क्रू होम मैकेनिज्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है। अब यहाँ पे कुछ और मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, वो है पटेला की कंप्रेशन। पटेला जो है ना, बेसिकली बेटा याद रखिएगा कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हैं, जब आपकी एक्सटेंडेड पोजीशन है नी की, उस टाइम पे पटेला का जो है वो कोई कांटेक्ट नहीं बनता, ना आपकी फीमर के साथ और ना आपकी पटेला के साथ, ये कांटेक्ट लेस होती है इन एक्सटेंशन पोजीशन। अगर कांटेक्ट लेस है इट मीन्स कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रेशन नहीं है। जब कॉन्टेक्ट ही नहीं है तो कंप्रेशन कहाँ से आएगा? हाँ, अब कंप्रेशन कैसे स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आपकी नी जॉइंट जो है वो फ्लेक्शन के अंदर जाना शुरू करता है। नी जॉइंट जैसे ही आपकी फ्लेक्शन में मूव करेगा, आपकी पटेला जो है वो इंफीरियर डायरेक्शन के अंदर स्लाइड करना शुरू करती है आपकी फीमर के ऊपर, पटेला आपकी फीमर के ऊपर स्लाइड करना शुरू होती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी पटेला का इंफीरियर बॉर्डर है वो ये जो ग्रूव थी ना इंटर, ये जो कंडाइलर ग्रूव थी, इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है ये सबसे पहले उसके साथ कांटेक्ट में आती है। बियॉन्ड 60 जब हम चले जाते हैं तो आपका ये जो कांटेक्ट एरिया है ना ये बढ़ जाता है। कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा तो फोर्सेस जो है ना वो कंप्रेशन की बढ़ना शुरू हो जाएगी। 90 degrees ऑफ नी के ऊपर क्वाड्स का जो टेंडन है, क्वाड्रिसेप टेंडन, कम्स इन कॉन्टेक्ट with trochlear groove as patella slides inferior, patella mazid inferior jayegi. ab wo kitna inferior chali gayi hai ki wo jo upar uske tendon laga hua tha quadricep ka, ab wo groove tak aa gaya hai, theek hai, ab uska level kahan tak aa gaya hai, groove tak aa gaya hai. ye time aisa hai jahan pe aapke jo patella ke upar compression forces hai na, ye matlab kya lo ke नियर टू मैक्सिमम जो है वो हो जाती है। फुल एक्सटेंशन के अंदर कोई जब कंप्रेशन नहीं है इजी है, नो प्रॉब्लम, कोई कंप्रेशन फोर्सेस नहीं है, 30 to 60 degrees ऑफ फ्लेक्शन में जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस यानी कि वो जो स्ट्रेस है कंप्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। 90 degrees जो अभी मैंने आपको बात बताई, जैसे कि स्क्वेटिंग की अगर हम बात करें तो स्क्वेटिंग के अंदर ज्वाइंट रिएक्शन फोर्सेस मैक्सिमम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप स्क्वैटिंग करना चाहते भी हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो पटेला है या जो आपकी जो नी ज्वाइंट है वो 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 90 के ऊपर भी आपका मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेस आ रहा होता है,
तो कोशिश करेंगे 90 से ऊपर ऊपर रहें, 90 से नीचे तो बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि वो उस टाइम पे आपकी वो जो रिएक्शन फोर्सेस हैं और वो जो कंप्रेशन फोर्सेस हैं वो इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो आपकी नी को जो है वो इंजर करने के चांसेस बढ़ा देती है। 60 डिग्रीज के ऊपर पीक स्ट्रेस है, 75 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन के ऊपर पीक कंप्रेशन है विद वेरिएबल वेट्स, और इंक्रीज क्यू एंगल कॉजेज इंक्रीज लैटरल फैसेट प्रेशर एज द नी फ्लेक्सेस। अब क्यू एंगल अगर इंक्रीज है और उसमें पटेला की जो है वो पोजिशन जो है वो ठीक नहीं है, प्रॉपर नॉर्मल पोजिशन पे नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लैटरली जो है वो ये थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई भी होती है, ट्रैक हुई भी होती है, तो एट दैट टाइम फ्लेक्शन के अंदर फिर वो जो लेटरल साइड है पटेला और नी जॉइंट उसकी लेटरल फैसेट के ऊपर पटेला के प्रेशर जो है वो बढ़ जाते हैं, प्रेशर बढ़ेंगे तो वहां पे फिर ये पेनफुल जो है वो हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा अब ऐसे है कि बायो मैकेनिक्स जो है वो आज हमने इसको डिस्कस कर ली है, थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा डिटेल जो है वो मैंने आपको बता दी है, ये बुक के अंदर चीजें लिखी हुई है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने आपको जो है वो बायोमैकेनिक्स एस्पेक्ट की बताई हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इसके जो नोट्स हैं वो बना लें या जो लेक्चर है उसको अच्छे से सुन लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताई हैं। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, नी जॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं इसको जरा थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी मैम, जो क्यू लिटिल एंगल वाला लास्ट पॉइंट था वो एक दफा आप बता देंगे दोबारा, लिटिल फेसेट का जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्यू एंगल के नॉर्मल ना होने की वजह से ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्यू एंगल एक तो आपकी नी जॉइंट का एंगल को चेंज कर देता है, साथ में आपकी पटेला की जो पोजीशनिंग है ना उसको भी चेंज कर देता है। किस तरह से चेंज कर देता कि नॉर्मल जो पोजीशन है पटेला की वहां से ये पटेला थोड़ा सा लेटरली जो है ना वो ट्रैक हुई भी होती है, ट्रैकिंग का मतलब है लेटरल साइड पे थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई भी होती है। अब जब वो लैटरल साइड पे डिस्प्लेस हुई होगी ना, तो जब भी आपकी फ्लेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो फ्लेक्शन के साथ लैटरल साइड पे पटेला के कंप्रेशन बढ़ जाएंगे, जब पटेला के लैटरल फेसेट्स के ऊपर कंप्रेशन बढ़ते हैं तो पेन करने लग जाता है, और ये पर्टिकुलर जो है ना वो आपका पटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम कॉज कर देता है। ये आगे पढ़ना है हमने, जी सिंड्रोम जो है ना इसको हमने आगे पढ़ना है, ये पर्टिकुलरली पटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम कॉज कर देता है, जिसमें खास तौर पे जो है ना वो आपको स्टेयर क्लाइंबिंग में पेशेंट को बड़ा पेन आता है, वो हमें लगता है कि स्टेयर क्लाइंबिंग में पेन है तो ये टिबिया का प्रॉब्लम है, टिबिया और फीमर का, हम उसको ट्रीट करते रहते हैं, हम देखते नहीं है कि पटेला की पोजिशन क्या थी, वो बाद में पता चलता है कि पेन तो ठीक ही नहीं हो रहा है, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, सारा कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हो, इससे तो ठीक हो जाना चाहिए था, वो बाद में जाके असेस करते हैं पता चलता है कि लैटरल जो है ना वो ट्रैकिंग हुई हुई है पटेला की, और पटेला के लैटरल साइड पर जो है ना वो कंप्रेशन ज्यादा आने की वजह से बेसिकली वहां पे पेन बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड पटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम। आगे पढ़ेंगे जॉइंट जो हाइपोमोबिलिटी है इसको मैं अभी आज डिस्कस नहीं करूंगी, राइट नाउ ये जो बायोमैकेनिक्स के एस्पेक्ट से ये सारा आपकी एनाटॉमी और काइनेजोलॉजी टाइप ऑफ चीजें, इसको अच्छे से जो है ना वो आप लोग समझ लें, पढ़ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपकी ये जो जॉइंट्स की हाइपोमोबिलिटी आती है, चीजें वही हैं जो हम पहले भी हमने पढ़ी हैं, कंट्रोल फेजेस और मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेजेस और ये वो सारा कुछ, हमने कॉजेस को पढ़ना है, हमने जनरल जनरल गाइडलाइंस पढ़नी है कि अगर आपको हाइपोमोबिलिटी हो रही है तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, मोबिलाइजेशन आपने पढ़ी हुई है, स्ट्रेचिंग्स आपने पढ़ी हुई है, सिंपल जस्ट जो गाइडलाइंस है उनको हमने गो थ्रू करना है, और वो बुक से जो है ना वो फिर आप उसको खुद से पढ़ेंगे। ये चीजें समझाने वाली थी, या आज का टॉपिक जो है इसमें कोई चीज बेटा समझ में नहीं आई है तो मेरे से पूछो। मैम हाँ जी मैम, आपसे बात करनी थी, मैम हम पूरी क्लास चाहते हैं कि अगर आप रिक्वेस्ट है हमारी मैम, अगर आप वीडियो असाइनमेंट के लिए एक दिन और दे दें, मतलब वेडनेसडे तक टाइम दे दें। यस टीचर। वजह क्यों ज्यादा देखा मैम? क्योंकि मैम सी सेक्शन को आप मैम दूसरा ना ये भी वजह है कि हमारे जो क्विजेस है ना वो अब खत्म हुए हैं, और मैम हम
लोगों की दूसरी असेसमेंट्स भी थी साथ में. मैम आई नो कि आपने हमें टाइम मतलब अपनी तरफ से बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन मैम हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे टाइम, क्योंकि हमारी बहुत सारी असेसमेंट्स हमें एक साथ मिलती है तो हमें बहुत ज्यादा बर्डनाइज हो गया. और मैम फिर ये वीडियो असाइनमेंट में तो आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, मतलब उसको समझ के बनाना है, क्योंकि फिर उसके बाद वीडियो एक दफा कभी सही नहीं बनती तो उसको रीटेक दोबारा बनाना पड़ता है, तो मैम टाइम लग जाता है. इस वजह से मैम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे. अच्छा जी, आपने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया है, और हालांकि काफी सारे बच्चों के मुझे असाइनमेंट्स मिल भी गई हैं, अगर उन्होंने बना ली है तो इट मींस कि टाइम इतना एम्पल था. लेकिन अगर ठीक है, एक दिन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एक दिन और ले लो मैम. वेडनेसडे तक ले ले. क्या चीज मैम? वेडनेसडे तक टाइम मिल गया आपको? टाइम पहले मैंने 8 तक का दिया हुआ था ना, ट्यूसडे तक का टाइम था आपके पास. यस मैम, 9th को दे दो. 9th तक है टाइम. थैंक यू मैम. वेडनेसडे रात बजे तक, रात को ना 12 बजे तक. हां जी, वेडनेसडे रात 12 बजे तक. एक दिन और दे दियो. ओके मैम, थैंक यू मैम. चलो, लेक्चर से रिलेटेड बता, किसी का कोई सवाल, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम इस चीज को खत्म करें. एक दफा रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. ठीक हो गया जी, रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और वो फिर डिपेंड करता है कि आप लोग ऑन कैंपस आओगे या जैसे भी आप लोगों का प्रेफर करते हो स्टडीज को. ठीक है जी, चलें. अपना ख्याल रखिएगा बेटा, और वैक्सीनेशन जो है वो करवा लें, क्योंकि अब जरूरी है, क्या करें, मजबूरी है, तो इसको जो है वो कम्प्लीट करें प्रोसेस को. जी, आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, क्या कह रही है मैम? फर्स्ट डोज लगवा के हम कैंपस आ सकते हैं? फर्स्ट डोज के बाद बेटा ये आपको ना कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको दोनों डोजेस का जो है वो सर्टिफिकेट दिखाना है तब अलाउड है आप लोग, या आप वन डोज के ऊपर भी कैंपस आ सकते हैं, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा. मैम जो डायरेक्टर की मेल आई है ना आज, उसकी मेंशन था कंप्लीट डोज, तो कंप्लीट डोज तो दोनों ही होगी. बारे बेटा ये चीज कंफर्म करनी पड़ेगी, मैं इस पे कोई कमेंट अभी कर नहीं सकूंगी. ठीक है, चलें, मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ, आप इसको कंफर्म कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना जो है वो प्लान कीजिए. बाकी अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ बेटा. अल्लाह हाफिज़ मैम.